वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड सो एज यू नो गाइस, राइट नाउ आई एम इन नेपाल एंड अभी मैं अपने आंटी के घर में रुका हुआ हूँ। कल ही मैं पहुंचा था, टेक्निकली तो कल फर्स्ट डे था, बट आज से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ माय थर्ड टाइम इन नेपाल। पहले भी मैं दो बार आ चुका हूँ एंड लास्ट टाइम जब मैं आया था नेपाल इट वॉज 2011। और 12 ईयर्स बाद अभी आया हूँ फिर से। सो बेसिकली मैं 10 डेज़ के लिए आया हूँ नेपाल एंड एक्सप्लोर करूँगा। सो आज पहला व्लॉग बना रहा हूँ। उससे पहले मुझे जाना है, पैसा एक्सचेंज करना है। सो न्यू रेट पे SBI का एक ATM है, तो आई विल गो देयर एंड सम कैश आई विल विड्रॉ। सो जब भी आप करते हैं तो मैं बताता हूँ कि कितना रुपया करके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं विड्रॉल का। तो चलिए, अभी मैं हूँ और मेरे साथ मेरा भाई है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई भाई। सो He's here. Say hi. Hello. So, what's your name? My name is Pragyan Tamang. तो अभी हम लोग फटाफट दोनों निकलते हैं यहाँ से। एंड राइट नाउ द टाइम इज 12 PM। सो हे गाइस, राइट नाउ मैं बसंतपुर में हूँ एंड वी आर इन ट्रबल बिकॉज मैं अभी आया था ATM पैसा निकालने के लिए। बट क्या हुआ कि जब मैं ATM में गया एंड ट्राई टू विड्रॉल मनी, तो क्या हुआ, मेरा कार्ड ब्लॉक है, राइट। सो मुझे ये इंडिया से करके आना चाहिए था, बट समहाउ आई फॉरगॉट। तो हुआ कि अभी कार्ड ब्लॉक है, तो कैसा कैश वगैरह कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सो अभी प्रॉब्लम है, देखते हैं। अभी मैंने कॉल किया था इंडिया और इशू रेज किया एंड कस्टमर केयर से बात किया, तो वो लोग बोले कि रिजॉल्व हो गया है, बट आफ्टर दैट ऑल्सो आई ट्राइड, इट इज़ नॉट हैपनिंग। सो वन थिंग टू रिमेंबर, अगर आप लोग भी आ रहे हो इंडिया से नेपाल, तो ये ज़रूर कर लेना कि जो भी आपका कार्ड है, HDFC है या फिर SBI, जो भी बैंक का, सो प्लीज़ एनेबल दैट सर्विस, इंटरनेशनल सर्विस, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। बस मेरे पास इंडियन रुपीज़ ओनली 2000 है अभी मेरे पास, तो उसको अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड बट अभी एक कैफ़े में चाय पी रहे हैं एंड एक रूफ टॉप कैफ़े है, तो लेट मी शो यू द व्यू हियर। हमारा न्यू रोड और क्यों नाम बसंतपुर का टूर हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं ATM एंड विल ट्राई टू गेट सम कैश। अगर मिलता है तो ठीक, अदरवाइज फिर कुछ प्लान करना पड़ेगा दूसरा। और बसंतपुर का बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहले भी मैं आ चुका था लास्ट टाइम 2011 में, अभी भी सेम, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। सो इफ यू आर कमिंग टू नेपाल, सो दीज आर द प्लेसेस वेर यू वॉन्टेड, यू नीड टू कम बेसिकली। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज, फाइनली मुझे यहाँ से एक्सचेंज सेंटर से पैसा मिल गया। सो बेसिकली क्या है कि
1000 में 150 रुपीस ले रहा है, तो 2000 में 300 गया मेरा, तो इट्स गुड डील। सो अगर ये आप बैंक मतलब सरकारी बैंक से करोगे तो आपका कोई भी कटेगा नहीं, तो इसमें ठीक है। नाउ आई कैन बाय और आई कैन मीट एनीथिंग बाय दिस मनी एंड दैट टू इट इज़ लिमिटेड, सो आई होप हमें एटीएम से भी पैसा मिल जाए। सो गाइस अभी एटीएम आया था बट फिर से ट्राई किया एंड स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग, तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार SBI में कॉल करना पड़ेगा और फिर अपडेट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मैसेज आया था कि हो गया करके, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, फिर से एक बार करना पड़ेगा। एंड लेट्स गो, अभी जाएंगे हम लोग यहाँ से बोधा, बोधा बोल के एक प्लेस है, बहुत ही अच्छा प्लेस है बुद्धिस्ट जो भी रिलीजन से उनके लिए, तो वहाँ पे भी जा रहे हैं मैं और मेरा भाई। और लंच तो वैसे हम लोगों ने कर लिया था, राइट नाउ टाइम इज़ 2:30 और ऑलरेडी हम लोग वसंतपुर घूम चुके हैं, तो अभी जाएंगे वहाँ पे, तो इट विल टेक 30 मिनट्स, तो लेट्स गो और आप लोग का भी सीधा मिलते हैं बोधा पे। सो गाइस हम लोगों ने अपना बाइक रख दिया है पार्किंग स्टेशन में, यहाँ पे पार्किंग स्टेशन काइंड ऑफ रहता है जहाँ पे आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो, स्कूटी बाइक या जो भी, तो वो पार्क कर चुका है एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू बोधा। तो चलिए, लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं आया था लास्ट टाइम, तो मैं इनके पापा के साथ घूमा था, तो अंकल ने मुझे बाइक में उनके पास था बाइक पल्सर 220, तो उसमें घूमे थे और इस बार भाई घुमा रहा है, सो जनरेशन लाइक। एंड या अंकल अभी कोरिया में है, आज सुबह ही बात हुआ था वीडियो कॉल में, तो यस तो चलिए अभी निकलते हैं। सो गाइज अभी हम लोग रूफ टॉप एक रेस्टोरेंट में है जो कि बोधा में है, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, सो लेट मी शो यू द व्यू। और यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, कॉफ़ी नहीं जूस वगैरह पियेंगे और फिर यहाँ से फिर निकलेंगे, सो लेट मी शो यू द व्यू, इट्स लुक ब्यूटीफुल एंड मी शो यू। सो गाइस फाइनली हम लोग बोधा घूम चुके हैं और अभी जा रहे हैं वापस, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, थोड़ा सा पीस फील हुआ क्योंकि एवरीबॉडी वाज लाइक प्रेइंग, सो हम लोगों ने प्रे किया और थोड़ा सा हम लोगों ने भी राउंड जो चक्कर था वहाँ पे लगाया। अभी जा रहे हैं अली कहाँ जाने, फिर से सुंदरा न्यू रोड है, न्यू रोड तो अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं न्यू रोड क्योंकि वहाँ पे मेरी बुआ आएगी उनका मम्मी, और वहाँ से हम लोग एक जैकेट लेंगे मेरे लिए, वैसे पैसा तो नहीं है बट आंटी से मैं लूँगा, फिर आंटी को रिटर्न करना पड़ेगा अभी के लिए, तो चलिए अभी जा रहे हैं यहाँ से न्यू रोड। कितना टाइम लगता है यहाँ पर, कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट, सो 30 मोर मिनट्स इट विल टेक
फ्रॉम हियर, तो अभी तो जा रहे हैं और फिर चलिए आपको मिलते हैं न्यू रोड में फिर से। सो गाइज अभी हम लोग पहुँचे हैं सुंदारा बोल के एक प्लेस है उसमें, एंड राइट नाउ टाइम इज़ 5 PM और थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। एंड यहाँ पे इस सुंदारा पे एक फेमस चीज़ है जो आई विल शो यू जस्ट मेरे गूगल पे। तो चलिए यहाँ पे मार्केटिंग करने आया है बेसिकली, क्योंकि मेरे को जैकेट चाहिए था। तो हमारा बाइक पार्क हो चुका है एंड हम लोग वेट कर रहे हैं अपने आंटी का आने का, तो अभी यहीं घूम रहे। तो लेट मी शो यू, आइए इधर दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेस, इस प्लेस को कहते हैं सुंदरा, एंड यहाँ पे है एक धरारा बोल के एक है, तो लेट मी शो यू देयर। तो ये जो पास में ये वाला है इट्स कॉल्ड धरारा, ये न्यूली मेड है बिकॉज हाँ जो पुराना था इफ़ यू रिमेम्बर रिसेंटली 5-6 years पहले नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो उस टाइम यहाँ पे जो ये सुंदरा ये अब देख रहे हो टूटा वाला, ये वाला पहले वाला था तो इसको टूट गया था बिकॉज ऑफ अर्थक्विक, तो उसके जगह पे अभी ये नया वाला बनाया है। तो या ब्यूटीफुल ये मार्केट प्लेस, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं आंटी का, तो थोड़ी देर देते हैं फिर हम लोग चलेंगे थोड़ा कुछ खाने के लिए। सो गाइस आंटी लोग आ चुके हैं और चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आंटी लोग सरप्राइज। सो गाइस यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, शी इज माई कोई पिंकी फुगू, आंटी को फुगू बोलते हैं, मेरे पापा का सिस्टर, देन यहाँ पे और एक फुगू सबसे छोटी फुगू लंगड़ी फुफू, लंगड़ी फुफू इधर प्रॉब्लम हो गया पैर में, तो अभी और मैं जो बड़ी फुफू है वो अभी घर पे है। सो गाइस अभी आए हैं मोमो खाने के लिए एंड अभी राइट नाउ 6:30 PM और ठंडा भी लग चुका पूरा, तो अभी मैं लगा लिया टोपी वगैरह बहुत ठंड है। और चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मोमो कैसे बनता है, और ये है झोल मोमो, यू कैन सी मोमो, उसके बाद जो चटनी होता है वो काइंड ऑफ झोल टाइप से बनता है, तो ये वाला, और ये जो मोमो है ये बफ मोमो है। और चलिए दिखाते हैं जो बनता है ना वो बड़ा बहुत बड़ा मतलब इसमें बनता है बर्तन पे, जो कि नॉर्मली हम लोग नहीं देखते हैं, तो लेट मी शो यू दैट वन एज वेल। चलिए एनीवेज गाइस मोमो का खाने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अपने घर भाई के साथ स्कूटी में, और कुकू तो दोनों आंटी चले गए टैक्सी में। एंड चलिए गाइस या यही है यहाँ से, और आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड यू नो द ड्रिल राइट, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो, बाय गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो विद नेक्स्ट व्लॉग। सो लेट्स गो।